सोलर प्रेड आज था फ्राइडे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी मार्केट में तो ब्लड बात हुआ लिटरली काफी अच्छा खासा फॉल आया स्पेशली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो 51,000 वाला जोन था 100-200 जो वहां पर वही सस्टेन कर रहा था जो टैटू बनाने के लिए हम सोचते थे कल के दिन में फाइनली बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक किया ब्रेक करने के बाद विदाउट रिट्रेसमेंट फ्री फॉल होते हुए लगभग फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड वाले जोन, जो थ्री थर्टी थ्री एटी वाला जो, जो जोन था कल हमने डिस्कस किया था वहां तक बैंक निफ्टी आ और लास्ट में देखा एक शार्प रिकवरी देखने के लिए मिला इंडस इंड बैंक का रिजल्ट अब देखो रीजन जो है ना रीजन मल्टीपल रीजन है कंपनीज uh, के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं एफ की सेलिंग हो रही है ऑब्वियसली बात अगर आज आपके पास पैसे, पैसे पड़े तो आप ऑलरेडी हायर वैल्यूशन के ऊपर स्टॉक्स चल रहे हैं और ऊपर से उस कंपनी में परफॉर्मेंस भी ठीक से नहीं आ रहा तो ये कहीं ना कहीं हताश और निराश करने वाली चीज है और हम लोगों ने देखा कि आज के दिन पे एक्सिट्स होना स्टार्ट हुए एफ आई एस कंटिन्यू सेल कर रहे हैं हाइएस्ट इन दिस ईयर इस मंथ में हाइएस्ट सेलिंग हुई एफआईएस की अब मंडे के दिन पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली आने वाले हफ्ते में मंथली एक्सपायरी होने वाली है मार्केट जहां क्लोज हुआ है बहुत ही ज्यादा क्रशिय लेवल है चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं मंडे के लिए मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल रेड तो आज तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेल सेटअप मिला था मुझे स्नैपर में बट थोड़े से रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर मैंने नहीं ट्रेड कैप्चर कर, कर पाया कोई बात नहीं क्रिप्टो में तो अपना काम चल ही रहा है ये मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था एक्चुअली हम मॉर्निंग से इसको हंट कर रहे हैं यहाँ पर मैंने ये कीपण आय करके लिखा हुआ है सेटअप डाला हुआ है और ये सेटअप पे एंट्री भी यहाँ पर जैसे ट्रेगर हुआ तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि भैया मैंने ट्रेड लिया हुआ है और ये भी ये ट्रेड चल रहा है एक डॉलर के आसपास इसको रहने देते हैं टारगेट तो अपना ये है लगभग साढ़े डॉलर मिल जाएंगे अपने को यहाँ पर वेट करते हैं इसको अवॉइड कर देंगे चलो मुद्दे की बात करते हैं हम लोग ऑल राइटर तो सबसे पहले ना अपने को ये समझना पड़ेगा मल्टीपल रीजन्स हैं ऐसे ही नहीं मार्केट गिर रहा है एफ की सेलिंग चल रही है राइट इंडिया आउट वगैरह ये वो दिस इज टू इंडिया से पैसे निकल रहे हैं दूसरा रीज़न कैसा है कि अपने अर्निंग्स जो आ रही है क्वार्टरली अर्निंग्स जो आती है कंपनीज की वो बहुत बुरी आ रही है एग्जांपल इंडस बैंक को ही उठा के देख लो बहुत बुरी तरीके से पिटा है 18 परसेंट नीचे की तरफ आज के दिन पे क्लोज हुआ है तीसरा रीजन क्या है डॉलर स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है और बॉन्ड अपना बॉन्ड मार्केट जो है वहां पर डिमांड क्रिएट होते जा रही है तो ऑब्वियसली जो आज अगर अलग से आज छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं जो छोटे माइंडसेट के साथ काम करते हैं मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आता है वो बंदा क्या सोचता है या तो स्टॉक मार्केट में लगाओ या तो एफ में लगाओ बॉन्ड तो कोई सोचता नहीं तो बट बड़े जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं अपना पैसा एक जगह से निकाल के वो तब निकालते जब दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिख रही हो तो आज बॉन्ड मार्केट में अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हुआ है और अपने को दिख रहा है कि बॉन्ड मार्केट स्ट्रॉंग होते जा रहा है कम्पेयरिटली इक्विटी मार्केट थोड़ा सेफ्टी की तरफ ज्यादा जा रहा है और चौथा रीजन कहीं ना कहीं ये है कि यूएस में अनसर्टिनिटी अब यूएस में देखो कल जैसा टेस्ला का न्यूज आया उस वजह से वहां पर भी चीजें मैनेज जैसे अपने इधर कैसा हो रहा है कि निफ्टी को होल्ड करके रख रहे और निफ्टी को गिराते जा रहे थे बैंक निफ्टी को कमजोर करते हुए रखे थे फिर फिफ्टी वन को रोक दिया तो वाला एक इंडेक्स में कैसा दूसरे इंडेक्स में कैसा तो ये चीज़ें चलती आ रही है कंटिन्यूसली और हम लोग उन लोगों के मार्केट में सेम ये चीजें हो रही है क्योंकि वहां का भी मार्केट इंतजार कर रहा है कि भैया क्या आएगा आखिर रिजल्ट में आखिर रिजल्ट आने के वाला है किस हिसाब से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत सिचुएशन वैसा चालू है और उस चक्कर में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपने इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होते जा रहा है तो बात करते हैं सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि आज का मार्केट जो अपना क्लोज हुआ है वो कहाँ क्लोज हुआ है क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह है या कैसा है उसको एक हम लोग देख लेते हैं तो देखो मिड कैप निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ है यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेके अच्छा बाउंड सपोर्ट लेके अच्छा बाउंड अब ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया है दूसरा पॉइंट जो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बॉस इसका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड हम सपोर्ट देख रहे हैं तो ये जो अपना लेवल है ट्वेल्व थाउजेंड टू फिफ्टी दिस इज द लेवल 12,250 जैसे ही यहाँ पर भी यहाँ पर डिमांड वगैरह क्रिएट होता है तो एक बार को फुल बैक देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसको ब्रेक डाउन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 11,600 फिर 10,600 और ये बॉटम वाले 10,000 लेवल्स कहीं ना कहीं प्रेशर में आते हुए दे सकता है बट यहाँ पर क्रूशल लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ ये लक बाय चांस वाली चीज़ नहीं है अगर आप निफ्टी को भी उठा के देखोगे तो निफ्टी भी देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ वहाँ करके रखा है सपोर्ट सपोर्ट अब ये ट्वेंटी ये बहुत ज़्यादा क्रूशल लेवल है यहां पर ब्रेक डाउन आता है तो दिक्कत एक रीड हो सकती है अपने निफ्टी के लिए जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हो सकता है बाउंस बैक साइडवेज ये सब चीजें होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर है तो ध्यान रखिएगा एग्रेशन में आके बस रैंडमली सेल कर दिया ये वगैरह नहीं हाँ एक बार को जैसा हम डाउन ट्रेंड के अंदर है रिट्रेस करता है तो शॉर्ट कर सकते हो वो कहाँ शॉर्ट कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी का भी देखो सेम सिचुएशन है लाइन से सपोर्ट लिया ऊपर सपोर्ट लिया ऊपर सपोर्ट लिया ऊपर अभी इसी ट्रेंड लाइन में हम लोग देख रहे हैं लास्ट में जाते जाते एक अच्छा पुल बैक देखने के लिए हमको यहाँ पर मिला है तो कोई भी इंडेक्स पकड़ लो सब सपोर्ट लेवल्स के आसपास खड़े हैं और बहुत ही ज्यादा क्रूशल सपोर्ट लेवल्स के आसपास खड़े हैं तो इसको हमको अवॉइड नहीं करना है थोड़ा सा सीरियसली देखना है इन चीजों को रिट्रेस करता है तो हम छोटे स्टॉप लॉस से प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं तो लेट्स से चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है तो बैंक निफ्टी यहाँ पर कोई काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाने की यहां पर कोशिश कर रहा है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो इस जोन को हम मार्क करेंगे क्योंकि ये ये बॉटम है अपना करेक्ट जहाँ से बार बार डिमांड क्रिएट हो रही है कौन सा जोन है ये ये जोन है अपना फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड वाला थ्री 360 थ्री सिक्सटी होता है हम फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड पकड़ेंगे अब अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसका फिफ्टी थाउजेंड टू सिक्सटी का देन फोर्टी नाइन थाउजेंड एट का एंड उसके बाद फिर फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी के आसपास हम बैंक निफ्टी को ट्रेवल करते हुए देख सकते हैं तो फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड विल प्ले अ वेरी क्रूशल रोल ये सपोर्ट लेवल्स पे सपोर्ट लेवल किस लिए काम आता है सपोर्ट लेवल्स पे डबल बॉटम पैटर्न बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न या ऐसे बाइंग के हिसाब से सोच सकते हो या तो फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर ये ब्रेक करता है तो आप टारगेट लेवल्स के लिए क्या प्लान कर सकते हो तो जहां से मार्केट बाउंस करने की यहाँ पर कोशिश कर सकता है तो इसलिए मैं आपको ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर बता रहा हूँ कि बस सिंपल ऐसा बता दिया मैंने सपोर्ट है रजिस्टेंस से नहीं उसके पीछे का लॉजिक है सिंपल चीजों के ऊपर बट इंपॉर्टेंस इफेक्ट सिंपल बोलते ना सिंपल और इफेक्टिव तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर कंसिडर करना है अब बात करते हैं कि अपने को सेलिंग कहाँ प्लान कर सकते हैं अभी ये तो क्या है जैसे मेरे जैसा बंदा होगा जो छूट गई जिससे गाड़ी जिसने नहीं जो रिट्रेसमेंट का वेट करता गया तो वो कहाँ प्लान कर सकता है अगर इंट्राडे में उसको करना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ये रिसेंट टॉप से रिसेंट बॉटम तक हमने फिवोनाची ड्रॉ किया ओके अब दो क्रूशल लेवल्स निकल के आ रहे हैं इसके एक सबसे पहले यहां देखो इस जोन पे अब यहाँ पर देखो दो चीजें हो रही है सपोर्ट बाउंड सपोर्ट बाउंड सपोर्ट बाउंड सपोर्ट बाउंड सपोर्ट और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है पहले ये सपोर्ट अभी रिजेक्शन की तरह काम कर सकता है साथ में अपना जीरो पॉइंट थ्री एट टू परसेंट वाला लेवल है कौन सा जोन है फिफ्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड वाला जोन है दिस इज द फर्स्ट लेवल जहाँ पर हम प्लान आउट कर सकते हैं डबल टॉप पैटर्न बैरिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ बनता है तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और लेट से इन केस अगर हम तो थोड़ा बहुत इसको क्रॉस कर देता है तो इसका नेक्स्ट रिजेक्शन जोन कहाँ है इसका नेक्स्ट रिजेक्शन थोड़ा सा इसके नीचे करेंगे हम इसको हल्का सा यहाँ पर यह है अपना फिफ्टी वन थाउजेंड एट्टी दिस इज द नेक्स्ट रिजेक्शन जो तो हम यहाँ पर सेकंड अगर यहाँ नहीं रुकता है तो यहाँ पर अपने को सेकंड टाइम देखना है छोटे ये दोनों केस में छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं टारगेट वन नेशो थ्री वन नेशो फोर वन नेशो टू जिस अकॉर्डिंगली आपको माइंड काम करता है अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो फर्स्ट यहाँ पर आपने कहा देखना है फिफ्टी नेक्स्ट कहाँ देखना है फिफ्टी अगर थाउजेंडी से इन दोनों को क्रॉस कर देता है और अपना ये जोन क्रॉस कर देता है मतलब फिफ्टी फिफ्टी तो इसको हम कहेंगे दिस इज द ट्रेंड चेंजर 51,250 को क्रॉस कर देता है तो फिर 51,400, 51,800 ये जोन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है तो अपने को सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ तक देखनी है एक बार 250 को क्रॉस करते सस्टेन कर देता है तो फिर कहीं कही ना कहीं दिक्कत है फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि बहुत इतना ऊपर कैसा बोलोगे आप, बोलो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है एज एन सेलर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ओके आई होप द पॉइंट इज क्लियर बात करते हैं निफ्टी की चलो भैया ये तो हमने देख लिया चौबीस रेव वाला इंपॉर्टेंट लेवल है बट डे में हम लोग रिट्रेसमेंट के ऊपर शॉर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग आएंगे पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहां पर देखिए ये एक जोन मार्क करेंगे ऐसा ओके ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया उसमें हम क्या करेंगे टॉप टू बॉटम ये हमने ने किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन साथ में 0.236 परसेंट का रिजेक्शन तो ये कौन सा जोन है 24,270 तो दिस इज द फर्स्ट लेवल जहां पर मार्केट रिजेक्शन फेस करने की प्रॉबेबिलिटी बनती है दूसरा जोन कौन सा है दूसरा जोन यहां है ये जोन पे यहाँ पर क्या है सपोर्ट ऊपर सपोर्ट ऊपर सपोर्ट ऊपर ब्रेक हुआ ब्रेक होने के बाद एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ टेस्ट होगा तो पहले जो सपोर्टर्स थे अब ये अपोज करेंगे रिजेक्शन फेस करने का यहाँ पर कोशिश करेगा और साथ में अपना क्या है जीरो पॉइंट थ्री टू परसेंट का रिजेक्शन जोन है तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री एटी दिस इज द जोन यहाँ तक एक लेवल दूसरा लेवल यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो रिजेक्शन फेस करने के चांसेस है अगर इसको क्रॉस कर देता है और सस्टेन हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं फिर ट्रेंड चेंजर के हिसाब से काम कर सकता है देन ट्वेंटी एंड ये ऊपर वाला जोन ट्वेंटी वाला जोन कहीं ना कहीं अपना निफ्टी अचीव करते हुए दिखा सकता है राइट ये ऊपर वाले रिजेक्शन जोन मैंने आपको बताया नीचे वाले सपोर्ट जोन तो सपोर्ट जोन देखो कहाँ से बाउंस बैक किया उसने उसने बाउंस बैक किया है निफ्टी ने अपने ऑलमोस्ट यहाँ से ओके okay? ये कौन सा लेवल है अपना ट्वेंटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड नॉलेट से फ्लैट या डाउन खुलते हुए ट्वेंटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड को ब्रेक कर देता है देन इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन एटी एंड उसके बाद फिर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट नाइन्टी वाला लेवल है अगर ये लेवल्स पे क्लोजिंग दे देता है तो या ये कहीं ना कहीं फिर अच्छे खासे गड़बड़ कर दी है निफ्टी ने यहाँ पर बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा दिक्कतें ज़्यादा क्रिएट हो सकती है और ऑलरेडी लोगों के पोर्टफोलियोज़ बहुत ज़्यादा डाउन है कंपेटिवली और अगर थोड़े बहुत जो बचे हुए भी हैं तो वो निफ्टी के मेजर स्टॉक्स बचे हुए हैं जैसा एच डी बैंक वगैरह ये सब चीज़ें देखोगे उसको आज भी होल्ड करवाया गया है बड़े बड़े स्टॉक्स होल्ड करवाए गए और लोगों ने ऑलरेडी देख रहे हो अगर आप मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़ जब भी ऐसा मेजर फॉल आता है तो लोग एफ को सेफ हेवेंड है मानते हैं तो आज आई देख लो आपका दूसरे एफ कंपनीज देख लो फार्मा मतलब जो भी बेसिक ह्यूमन नीड होती है ना खाना पीना फार्मा ये बेसिक नीड है लोग उस उसमें अपने पैसे डाइवर्ट करते थे कि कुछ भी हो जाए कितनी मंदी हो जाए अगर मंदी है कोरोना है या कुछ भी है जेब में पैसे कम भी होंगे ना अगर दवाई की ज़रूरत है आपको तो, तो, तो आप दवाई लोगे खाने का जरूरत है तो आप खाओगे तो ये बेसिक नीड वाले फार्मा सेक्टर्स और एफ वाले सेक्टर्स में लोग फिर पैसा लगा देते हैं जब भी कोई दिक्कत क्रिएट होती है तब तो आज हम लोगों ने वो चीज़ें ही देखी आज के दिन पे ठीक है ये होगा निफ्टी और मैंग निफ्टी बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की मिड कैप निफ्टी का क्या सिचुएशन हम किस हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी से तो मिड कैप निफ्टी देखिए आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसने प्यारा सा डबल बॉटम पैटर्न बनाया इसने बहुत प्यारा सा यहीं से डिमांड जोन से डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया है ओके okay? अब ये कौन सा जोन है इसका इसका ये वाला जो जोन है वो है तकरीबन ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड बारह हजार दो सौ के आसपास का इसका जोन है अब बारह हजार दो सौ को अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसका पहला सपोर्ट लेवल है ट्वेल्व थाउजेंड वन फोटी उसके बाद ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेंटी के आसपास हम मिड कैप निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये यह हो गया सपोर्ट लेवल जहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर अगर लेट से यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ बाउंस करता है ओके okay, खुलता है फ्लैट या गैप अपता है तो उस केस में यहाँ पर क्या कर सकते हो देखो ये रिसेंट टॉप और रिसेंट बॉटम ये हमने यहां पर लगा दिया अब इसका पहला जो रिजेक्शन जोन है वो यहां है इस जोन पे विच इज ऑलमोस्ट ट्वेल्व थाउजेंड एक सेकंड मैंने कुछ गलती की है क्या यहां पर ये टॉप टू बॉटम प्रॉपर हो गया ये और ये वाला जो जोन है एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है क्योंकि वो ऊपर नहीं नीचे है ये तो इसका ये वाला जोन है ट्वेल्व ठीक है दिस इज द रिजेक्शन जोन लेट्स से इसको क्रॉस कर देता है और यहाँ इसके ऊपर निकल जाता है ट्वेल्व थाउजेंड फोर नाइन्टी के ऊपर निकल जाता है तो दिस कैन एक्ट एज एन ट्रेंड चेंजर अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट सीधा इसका रिजेक्शन जो है सीधा ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी के आसपास तो अपने को यहाँ पर क्या देखना है फ्लैट खुलता है गैप अप खुलता है बारह हज़ार चार सौ पे क्या करता है डबल टॉप पैटर्न बैरी साइड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ एंगल के साथ ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं फोर नाइन्टी तक इन जोन के बीच में भी हम प्लान आउट कर सकते हैं बट एक बार फोर नाइन्टी को क्रॉस करके सस्टेन कर लिया उसने तो फिर भैया ये कहीं ना कहीं इसको अटैक करने के लिए आ रहे हैं ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी के आसपास फिर अपना कैप निफ्टी ट्रेवल करते हुए यहाँ पर दिखा सकता है आई होप द पॉइंट इज क्लियर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा क्या आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी की रैली कैप्चर की सेंसेक्स का फॉल कैप्चर किया कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो